हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आप सभी का योर ट्रेडिंग गाइड डॉट कॉम के इस निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आप में से जो भी लोग नए आए हैं उनको बता दें कि ये योर ट्रेडिंग गाइड डॉट कॉम का निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, हमारे लेवल्स डिस्कस करेंगे और अपने ट्रेड्स को स्ट्रैटेजिकली प्लान आउट करेंगे। तो हम अभी दिसंबर के लास्ट वीक में है, 26 दिसंबर की एक्सपायरी है एंड ये जो हफ्ता रहने वाला है इसमें एक ऑफ आएगा। मार्केट हॉलिडे है 25th को, क्रिसमस वाले दिन, यानी हमारे पास एक्सपायरी के लिए टोटल 3 दिन हैं और स्पेशली मंडे एंड ट्यूसडे और थर्सडे को एक्सपायरी रहेगी। तो काफ़ी अच्छा वीक रहने वाला है, प्लस लो वॉल्यूम मार्केट रहने वाला है क्योंकि ये ग्लोबल हॉलिडे है क्रिसमस के आसपास और लो वॉल्यूम मार्केट हर साल रहता है। तो एक लो वॉल्यूम मार्केट है तो पहली बात ये कि अगर मार्केट लो वॉल्यूम है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन ए लो वॉल्यूम मार्केट यू शुड रिड्यूस योर क्वान्टिटी। तो ऐसे मार्केट में स्पाइक्स जनरली देखने को मिलती हैं, इसलिए ये एडवाइजेबल है कि आप लोग अभी जो दिसंबर एंड का ये पूरा 6 ट्रेडिंग डेज़ हैं, इसमें आप रिड्यूस्ड क्वांटिटी से, कम क्वांटिटी से और 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड करें। जब पूरा वॉल्यूम मार्केट में आ जाएगा जनवरी में 2020 में, तब हम अपनी फुल क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी मैनिपुलेशन का जो गेम है, यू कैन नॉट प्ले द सेम गेम एवरी टाइम। क्वांटिटी मैनिपुलेशन का जो गेम है वो ही पूरे मार्केट में और स्पेशली आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को चेंज कर देता है। इट इज़ लाइक अगर हम बीच बीच में चौके छक्के लगाते रहें तो हमारा रन रेट अच्छा रहता है, ओवरऑल स्कोर अच्छा रहता है। तो क्वांटिटी मैनिपुलेशन ऐसी चीज़ है जो आपका स्कोर यानी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, ट्रेडिंग आउटकम बढ़ाती है। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द क्वांटिटी मैनिपुलेशन इन टू द अपकमिंग सेशंस, बट एज फार एज दिस दिसंबर एंड इज कंसर्नड, यू शुड बी ट्रेडिंग विद द रिड्यूस्ड क्वांटिटी। और आप में से जो भी लोग हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को या हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पे 9171166445 पे कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करें। और हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स 25th और 26th दिसंबर को है, जिसमें हम इंडेक्स मास्टर क्लास की लाइव ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। तो आप में से जो भी लोग ट्रेनिंग्स को और हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, ईयर एंड ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और निफ्टी को एनालाइज करते हैं। अब निफ्टी में एक बात जो कॉमन है कि ये मार्केट बुलिश मार्केट है और धीरे धीरे बाज़ार ऊपर की ओर ही जाता जा रहा है, लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। द सिंपल लॉजिक ऑफ माइन इज़ इफ़ एनीथिंग कैन गो अप इट कैन कम डाउन ऑल्सो। सो लेट्स चेक आउट द निफ्टी पी ई ऑल्सो टूडे। तो अगर हम निफ्टी पी ई देखें तो 20th दिसंबर का निफ्टी पीई है 28.60। सो अनडाउटेडली वी आर इनटू एन एक्सपेंसिव मार्केट और ये एक्सपेंसिव मार्केट में एक्सटेंडेड रैलीज है जिसको हम अपसाइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपसाइड में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको निफ्टी पीई का चार्ट दिखाएं तो यू विल बी amazed to see that we are into a very expensive market, not even expensive but we are into a very expensive market. It's a rare event and a screaming sell, search for the short opportunities. तो हम 30 इसकी मैक्सिमम रेंज है, राइट नाउ निफ्टी इज़ ट्रेडिंग अराउंड 28.60।
तो मेरा मानना है कि निफ्टी की जो रैली है इट इज़ कमिंग टू एन एंड, सम सॉर्ट ऑफ एंड, और ये जो एक्सटेंडेड रैली है दिस ऑल्सो हैज़ टू कम टू एन एंड। ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें हमें फिर से एक रैली देखने को मिली। ये जो रैली की शुरुआत हुई थी राइट फ्रॉम 10,637, वी रैलीड ऑल द वे टिल 12,294 अप्रॉक्सीमेटली। तो एक अच्छा बुल रन आया है, और जिस तरीके की छोटी छोटी कैंडल्स बना के बाजार ऊपर जा रहा है, दिस रैली विल एंड सून, एंड हो सकता है कि थोड़े और अपसाइड के बाद फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग इनटू इंडेक्स, क्योंकि वेकेशंस में नया पैसा बाजार में इनफ्लो नया आएगा नहीं, सो वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग इनटू द मार्केट नेक्स्ट वीक। और अगर हम अपने एवरेजेस को लगा के देखें तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज इज दिस ब्लू कलर एवरेज, और इसकी वैल्यू आ रही है 12,060 देयर अबाउट्स। तो हो सकता है कि एक अच्छा हेल्दी करेक्शन 200-220 पॉइंट्स का हमको नेक्स्ट वीक निफ्टी में देखने को मिले। सो आउट ऑफ टू, आउट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन निफ्टी फॉर टुमारो, क्योंकि निफ्टी में जो रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, एंड दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट सून सम एक्शन शुड स्टार्ट। तो निफ्टी के लिए ट्रेंडिंग रहना एक्सपेक्टेड है आने वाला हफ्ता, और अकॉर्डिंगली हम निफ्टी के ट्रेड्स में ब्रेकआउट लेवल्स को प्लान आउट करेंगे। ठीक है, जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, एक टॉप था बैंक निफ्टी में, एक नया टॉप बना है, लेकिन ये ब्रेकआउट है इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, एंड यू नो देयर विल बी सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स बिफोर द रियल वन। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ ए रियल ब्रेकआउट, एंड दिस रियली इजंट ए रियल ब्रेकआउट। तो देयर विल बी सेवरल अटेम्प्ट्स बिफोर द रियल वन, एंड ऐसे वेकेशंस वाले बाजार में रियल ब्रेकआउट्स आते भी नहीं हैं, बिकॉज दे रिक्वायर द एक्चुअल मनी इनफ्लो विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द मोमेंट इन टू द मार्केट। तो यू शुड बी लुकिंग फॉर बोथ द ट्रेड्स इन टू बैंक निफ्टी, बाय ऑन डिप्स भी हम कर सकते हैं और सेल ऑन रैलीज भी कर सकते हैं। ठीक बात है, जहाँ तक इंडिकेटर्स का सवाल है, अगर RSI हम अप्लाई करें तो डेली चार्ट्स पे निफ्टी के RSI में ऑलरेडी डाइवर्जेंस है, RSI लोअर लोज बना रहा है और यहाँ से निफ्टी हमारी हायर हाइज बना रही है। तो दिस मार्केट हैज़ शोन यू इनफ ट्रैक्शन ऑन द अपसाइड, एंड द फॉल कैन स्टार्ट एनी टाइम। सो आई एम लिटिल यू नो नेगेटिवली बायस्ड, आई एम लिटिल ऑन द शॉर्ट साइड फॉर द नेक्स्ट वीक। बैंक निफ्टी भी देखें तो सेम स्टोरी ओवर हेयर ऑल्सो, दिस इज़ ए नेगेटिव डाइवर्जेंस, एंड अ मार्केट इज मूविंग अप वेयर इन दिस RSI इज गिविंग यू ए डाइवर्जेंस। तो थिंग्स आर इंडिकेटिंग दैट येस वी आर इन टू ओवर वैल्यूड मार्केट वेयर इन यू नो सम डाइवर्जेंस इज गेटिंग फॉर्म्ड, और ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। ठीक बात है, अब हम लेवल्स डिस्कस करते हैं डिसम्बर 23 के लिए। तो दीज आर द लेवल्स आई विल डिस्कस अबाउट द निफ्टी, और आप सेम लॉजिक बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करेंगे। सो निफ्टी क्योंकि बहुत श्रिंक हो गई है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, वी आर एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट इन टू निफ्टी, और रिवर्सल बाइंग अगर हमको मिलती है तो अराउंड 12,260 वी विल बी बाइंग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 12,249। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड योर टारगेट इज़ 284, 24 पॉइंट्स ऑन द हायर साइड। सो दिस इज़ गिविंग यू ए 1:2 इफ़ यू आर टेकिंग द रिवर्सल बाइंग। रिवर्सल सेल अराउंड 284, स्टॉप लॉस कीप एट 95, 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एंड योर टारगेट विल बी 260, अगेन 1:2। ब्रेकआउट आता है तो अबव 12,295 वी विल बी बाइंग, योर स्टॉप लॉस विल बी 284,
एंड टारगेट विल बी 314। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट के ट्रेड्स में 20 पॉइंट का आप टारगेट रखिए। फुल क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हैं विद ए 10 पॉइंट शॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉस, एंड हमको इसमें 1:2 मिला, 20 पॉइंट लिए लो वॉल्यूम मार्केट में, एंड वी आर ऑल आउट। अगर रिवर्सल सेल आता है तो सेलिंग एक्सेलरेट हो सकती है और ज़्यादा गिर सकता है, बट एटलीस्ट कीप योर फर्स्ट टारगेट एट 20 पॉइंट्स एंड सेकेंड टारगेट में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए एज लॉन्ग एज मार्केट इज़ फॉलिंग। तो बिलो 250 यानी बिलो अराउंड 12249 वी कैन शॉर्ट निफ्टी, स्टॉप लॉस विल बी 12260 एंड टारगेट विल बी 12230। सेम फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे 1:2 के लॉजिकल और स्पॉट के लेवल्स हैं। इन इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें और कल इन लेवल्स को ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, एंड अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करें। विशिंग यू ऑल अबंडेंस ऑफ सक्सेस, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।